वो मेरे लीडर को पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी अल्लाह के हवाले, आपको अगर हमारा अपनी कौड़ी पहाड़ी काज के लिए करना पसंद नहीं है तो हम आपके साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका मैं इसलिए कह रहा हूं, जहां पर पार्टी की जम्मू सूबे के अंदर पहले कई कमजोरियां देखी जा रही थी, लेकिन पीर पंचाल रीजन के अंदर एक सीनियर लीडर, कद्दावर रहनुमा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40 वर्षों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहने वाले, अपनी तमाम सर्विसेज जो है वो इस खित्ते को लेकर जितना उनसे मुमकिन हुआ वो किया। नाम सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, फॉर्मर एमएलए थे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे और 40 सालों का एक तवील सफर यानी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया है, पार्टी को खैराबाद कह गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया है। और सबसे बड़ा रीजन जो है, मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई मैं उनसे, जो मेरी बात हुई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। सैयद मुश्ताक बुखारी ने जो हमें बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे काम किए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहाड़ी कबीले के लोगों को या पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों को गुज़श्ता तकरीबन 30 से 40 वर्षों से अंधेरे में रखा गया है। ना उनकी रिजर्वेशन का कोई मामला आगे बढ़ पाया है, जितना था वही सारी चीजें रह गई हैं, और ना ही एसटी स्टेटस, जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की मांग मुसलसल जोर पकड़ रही थी, उस पर कोई काम हो पाया है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाहिद अलग होने का, अलहदा होने का रीजन है वो मुश्ताक बुखारी के बकौल, जो मेरे साथ थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की, वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहाड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए उन्हें लगता है जो जमात इस कसीर आबादी, जो खिते पीर पंचाल में करना टंगधार या केरन सेक्टर तक रहती है, सरहदी इलाकों में रहने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोटिंग होने के बावजूद वोट्स बड़ी यू कह लीजिए कि तादाद में कास्ट हुए करते थे इन इलाकों से, लेकिन मुश्ताक बुखारी ये कहते हैं कि जिन लोगों के लिए पार्टी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो अवामी मफादात के लिए या उन सभी लोगों के एहसासात को, उनके जज्बात को समझते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो गए हैं। पार्टी के आला हुकाम को उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि हाईकमान जो है उसे आगाह कर दिया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा झटका, चूंकि फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट थे और हमेशा जब वोट लिए तो 25,000 प्लस वोट लेने का मकसद ये हुआ कि तकरीबन 60% प्लस वोट्स उनके खाते में जाते थे सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इस बार जब तोड़फोड़ को लेकर सवाल उठ रहे थे तो सैयद मुश्ताक बुखारी भी उन लीडरान में थे जिन्होंने पार्टी से अलग होने के साथ साथ ये जरूर कहा है कि वो इस हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते थे, उठाते रहेंगे, क्योंकि नाइंसाफी बहुत ज्यादा हुई है। सैयद मुश्ताक बुखारी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है थोड़ी देर पहले मेरी, क्या कुछ उनने जवाब दिए हमारे कुछ छोटे दो तीन सवालों के, उनके जवाब आपको सुनाते हैं। किसी जमात के साथ रहने का या सियासत में रहने का एक ही मकसद है कि हमारे लोगों को बेनिफिट हो, अच्छा पहाड़ियों को कोई फायदा हो जी, जम्मू कश्मीर में बाकी तमाम कम्युनिटीज को कैटेगरीज मिल गई हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही हैं, हम ओपन कैटेगरी में तो काम किसी का मुकाबला कर नहीं सकते, और जिनके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं उनको उन्होंने कैटेगरीज में कर दिया है। तो हमने कहा कि हमें भी कैटेगरी मिलनी चाहिए, उसके लिए हमने मीटिंग की। जब हमने मीटिंग की उसमें ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें मैं सदारत मेरी थी, वो मेरे लीडर को पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी अल्लाह के हवाले, आपको अगर हमारा अपनी कौड़ी पहाड़ी काज के लिए करना पसंद नहीं है तो हम आपके साथ नहीं है। तो रिजाइन का हम एक ही रीजन माने कि पहाड़ियों के लिए लड़ते लड़ते, या फिर कुछ और भी वजह? ओनली रीजन,